in this section, i will tell you how the shortfall, shortfall risk can be hedged by using the concept of matching liabilities. so when we see that uh, there are companies that are involved in, in uh, providing you different types of finances, your financial assets, ya investments, so there is one big thing that they face, particularly the insurance companies. कि वहाँ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी के जो कंपनीज़ के साथ वो बिज़नेस करें या इंडिविजुअल्स के साथ वो बिज़नेस करें दे माई डिफॉल्ट वो जो उन्होंने रीपेमेंट्स करने हैं आपको पैसे वापस करने हैं दे देर में भी अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको पैसे वापस नहीं करें तो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस हैं जो कि इस किस्म के ट्रांजेक्शन में जहाँ फॉरवर्ड फॉवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही हैं जहाँ टाइम पीरियड इन्वाल्व है रीपेमेंट्स के अंदर उसमें डिफ़ॉल्ट ना हो जाए उसके लिए दे यूज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच दे यूज़ इज़ दैट दे मैच द लाइबिलिटीज़ उसको वो मैच करते हैं कि हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी है हमने रीपे करना है इस पर्टिकुलर अमाउंट को या हमने वादा किया है एक फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेच के कि आपको हम एक साल के बाद पाँच साल के बाद तीन साल के बाद दिस मच मनी आपको हम आपको वापस करेंगे तो उनको उतनी अरसे के अंदर दौरान उससे ज़्यादा मनी को जनरेट करना होता है ताकि वो अपने जो रीपेमेंट्स हैं या जो भी उन्होंने पेमेंट प्रॉमिस किए हुए हैं उनको वो दे सकें uh, तो दे यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग एसेट्स टू लाइबिलिटीज थ्रू विच दे आर ट्राई टू ओवरकम द डिफॉल्ट रिस्क और इस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करते हैं कि दे डू असेसमेंट्स एंड दे सी दैट वॉट इज़ द ओवरऑल टाइम फ्रेम इन विच वी हैव टू जनरेट दिस मच मनी जो हमने अमाउंट रीपे करनी है अकॉर्डिंग टू दीड अपॉन रेट्स और प्राइस और जो भी आपने अमाउंट अग्री किया हुआ है देने के लिए आई एम गो टू यूज एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट दैट हाउ द मैचिंग एसेट्स टू लाइबिलिटीज को की कॉन्सेप्ट uh, को किस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस इस्तेमाल करते हैं सपोज वीर लेट्स टॉक अबाउट एन इंश्योरेंस कंपनी जो कि uh, अपने कस्टमर्स को एक इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कर रही है कि अगर आप अभी हमें सेवन हंड्रेड एटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री डॉलर हमारे पास अगर जमा करा देंगे तो हम आपको पाँच अभी ये सात सौ एटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री डॉलर अगर अभी आप हमें जमा कराएंगे तो पाँच साल गुजर जाने के बाद हम आपको एक हज़ार डॉलर देंगे तो बेसिकली वॉट दे आर डूंगे आर ऑफरिंग एन इंटरेस्ट ऑफ फाइव परसेंट फॉर फाइव ईयर्स अपने पास डिपॉजिट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी ने यह आपको पॉलिसी दिया कि हमारे पास अभी आप जमा कराएं सेवन हंड्रेड एटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री नाव इफ दे विल टेक सेवन हंड्रेड एटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री डॉलर फ्राम द इन्वेस्टर या इंश्योरेंस पॉलिसी बायर और वो वादा करिए इंश्योरेंस कंपनी कि हम आपको पाँच साल के बाद एक हज़ार डॉलर वापस करेंगे तो दे विल हैव टू मैच देयर एसेट विद दिस लेबिलिटी ऑफ पेइंग वन थाउजेंड डॉलर आफ्टर फाइव ईयरस तो उसके लिए वो करेंगे क्या दे विल ट्राई टू फाइंड आउट सच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां इससे इससे मिलता जुलता रिटर्न आएगा उनको यकीनन वो उससे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेंसेस अपना रेवेन्यू अपने प्रॉफिट्स निकालने बीच में से तो व्हाट दे विल लुक फॉर ऑल दोज पॉसिबिलिटीज जिससे 783.53 हंड्रेड थ्री पॉइंट फाइव थ्री डॉलर अभी इन्वेस्ट करने से उनके पास पाँच साल के बाद एक हज़ार डॉलर से कम से कम एक हज़ार डॉलर जनरेट कर सकें वो उससे ज़्यादा मनी किधर से मिलेगी तो अभी एग्जाम्पल हम देख रहे थे पर हैप्स दे सी दैट देर इज़ अ गवर्नमेंट बॉन्ड जो कि अभी आपको ऑफर करा है कि अगर आप हमें 783.53 डॉलर दे दें हम आपको एक हजार रुपया एक साल के बाद या दो साल के बाद आपको रिटर्न कर देंगे तो दे माइट पुट दिस मनीट पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज ऑफरिंग वन थाउजेंड वन थाउजेंड डॉलर फॉर सेवन हंड्रेड एटी थ्री पॉइंट फाइव थ्री ऐसा करने से क्या हुआ है कि वॉट दे हैव डन इज दे हैव मैश देयर लाइबिलिटी विद दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रोमेंट सो दिस इज हाउ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैच देयर एसेट्स विद देयर लाइबिलिटीज एंड देन डिसाइड के हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है टू जनरेट दिस मच मनी जो हमने प्रामिस किया है डिफरेंट तरह के फाइनेशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर और दिस इज़ हाउ दे मैनेज टू अवॉयड रिस्क ताकि उनको नुकसान ना हो उनके पास सफिशेंट मनी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी हो ताकि वो अपने लाइबिलिटीज़ को सेटिसफाई कर सके अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट्स और द कॉन्ट्रैक्ट विच दे हैव साइंट